उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर फिरोजाबाद में एक मकान के तहखाने में एक बम और चार देसी तमंचे बरामद होने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तीनों आरोपी प्रवीण नाम के शख्स के इस मकान में रहते थे, जहां से वो हथियार बरामद किए गए। इरफान और राजू और बंटी, ये तीन वो लोग हैं जो हिरासत में लिए गए। पुलिस ने बम को पानी की बाल्टी में रखकर निष्क्रिय कर दिया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये बम और हथियार किसके थे। मामला थाना दक्षिण के मोहल्ला टीला इलाके का है। ये काम होता है मेरा चिमड़ी का, ये सारी मजदूरी करते हैं यहीं से ले गए मेरे। तकाना भी घर की बड़े थोड़े बड़े बंद हो जी, तो कर दो। ये काम होता है मेरा चिमड़ी का, ये सारी मजदूरी करते हैं। अरे रो नहीं, बेकसूर हैं ये बेचारे, ये कामों पे बैठे मजदूर, इनको क्यों ले जा रहे हो? इसने क्या बताया, क्या क्या मिला है सामान? तो आप वो बोले कि आपके घर में ये सामान रहा नीचे जीने के, क्या क्या कट्टे थे और एक हथौला था। हथौला था, अच्छा क्या किसके हो सकते हैं ये सर? अब सर मुझे तो जिन आमद को इतना अकीद है कि इनकी रंजिश पुरानी चल रही है। हम तो वहाँ रहते थे, शाम सुबह आते हैं 9 बजे और शाम को जाते हैं 5:30, काम कर कर आते। अब हमारे पीछे कौन रख गया, क्या नहीं हुआ हमें नहीं मालूम। क्या क्या मिला है आपके यहाँ से? अब ये भी नहीं मुझे मालूम।